दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, अभी तक एक इस शेयर में हमें एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिली है। पहले 5 दिन का चार्ट पकड़ूं तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 3 से 4 दिन से हमें शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर शेयर के रिटर्न की बात करें, पिछले 6 मंथ का चार्ट पकड़ूं तो 155% के शेयर ने जबरदस्त रिटर्न करके दे दिए हैं। क्योंकि कंपनी से जुड़ी हुई जिस हिसाब से मैं अपडेट लेके आता रहता है, कंपनी को एक अच्छी खासी रेंज में ऑर्डर देखने को मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी बाइंग होती हुई देखने को मिलती जा रही है और शेयर हमें पिछले 6 मंथ से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता जा रहा है। अभी की बात करें इस शेयर में अभी भी एक ऑर्डर देखने को मिला है, जिसमें अगर कुल अमाउंट की बात करें तो आप यहां पर देखो कंपनी को एक बार फिर से एक अच्छा खासा ऑर्डर देखने को मिला, जो कि 82 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बनी सामने आती है। दोस्तों छोटे छोटे ऑर्डर देखने को मिलना, उसी के साथ बड़े बड़े ऑर्डर भी इस कंपनी को देखने को मिलते रहते हैं, जिसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलती जा रही है और शेयर आपको एक अच्छा खासा जबरदस्त रिटर्न देता हुआ देखने को मिलता जा रहा है। उसी के साथ सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा ध्यान देती हुई देखने को मिली है। उसी के साथ 1 फरवरी को यहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बजट में एक अच्छा खासा भारी अमाउंट आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके पहले ही हमें रेलवे सेक्टर में एक अच्छा खासी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। तो दोस्तों आपको पता कि अब Q3 के रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस हिसाब से कंपनी को एक अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिलते जा रहे हैं, वो आने वाले समय Q3 के रिजल्ट में भी शो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास शेयर है, ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकालती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी को एक अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिले, कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिली है। यानी कि आने वाले समय में Q3 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कंपनी अपने एक्सपेंसिव पर कंट्रोल लगा दे, एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट शो कर दे, तो कंपनी यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देती हुई देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर देखने को मिले है। तो अगर आपके पास शेयर, मैं आपको ये बोलूँगा कंपनी को होल्ड करके चलिए। जिस हिसाब से रेलवे का फ्यूचर देखने को मिला, कंपनी जिस हिसाब से काम करती हुई देखने को मिली है, आज के दिन ये शेयर 360 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, लेकिन ऐसे ही काम करती है तो 500 भी जाने का पूरा पूरा दम रखता है ये शेयर। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।